फ्रांस में काफी चेंजेस आए पहले से। अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, अभी से जब से हमने ओटी ज्वाइन किया ना, उससे पहले बहुत प्रॉब्लम थी। वो बहुत सारे सेंसरी इश्यूज उसको आ रहे थे। अब ओटी क्लास के बाद काफी काफी हद तक सुधार आया है। थोड़ा उसका उसका ध्यान भी हमारी तरफ रहता है, बातें सुनता है, करता है सब कुछ। और वो सेंसरी इश्यूज जो वो अपना ऐसे ऐसे टेक्टाइल सेंसरी इश्यूज ये वो सब क्या क्या था वो सब ठीक हुआ। और ऐसे जब से भी मॉम्स बिलीव हमने ज्वाइन किया है ना, पहले इससे पहले तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन तब से अभी लास्ट अक्टूबर से तब से काफी चेंज आया इसमें काफी। जैसे जैसे इसके साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ऐसे कीजिए तो हम लोग करते गए और वो बच्चा भी करता गया साथ में। और अब काफी वो काफी सब कुछ समझ रहा है। अब वो खुद से मैंने एडीएल भी ज्वाइन किया था शेड्यूल क्लास, तो उसने खुद से अब बटनिंग और पैंट पहनना शर्ट पहनना वो भी आ गया, उसको खुद से खाना आ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड शाइस्ता जी, आप मुझे आज थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स भी लग रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। मैंने आपको एडियल क्लासेस में देखा है, आप सभी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट लगते थे, लेकिन आज आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के जो फराज का इम्प्रूवमेंट है। फराज के हमने वीडियोज देखे, जो उसे कुकिंग पसंद है, दैट इज़ रियली नाइस।